लगभग 50 प्लस आएगा, ठीक है, इस पोकलेन से आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पोकलेन हार्डवर्क और ये है मेरा छोटा भाई दीपक कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे पोकलेन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आज का वीडियो मेरा इस मशीन के ऊपर होने वाला है कि ये मशीन सीखकर कितना कमाया जा सकता है, इसके बारे में मेरा भाई बताने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि इस पोकलेन को सीखकर इंसान कितना कमा सकता है, तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जितने मेरे भाई लोग सीखना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूँ कि जब आप सीखने के लिए आइएगा, उनको तो यही नहीं पता होता है कि सीखने में कितना टाइम लगेगा और सीखते वक्त कितना पैसा मिलेगा और कितने दिनों में सीख जाऊंगा और सीखने के बाद कितना पैसा मिलेगा। आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप सीखने के लिए आइएगा तो उसे बोलते हैं हेल्परी करना पड़ता है, ठीक है। तो हेल्परी में उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, ग्रीस व्रीस मारना होता है, थोड़ा सा मशीन का साफ़ सफाई करना रहता है, जैसे सुबह एक घंटे का काम कर दिए तो बस हो जाता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे जगह पे खुद से खाना बना कर खाना पड़ता है, तो ये एक हेल्पर का काम होता है, ग्रीस मारे, मशीन का साफ़ सफाई करे, डीजल वगैरह डाले और खाना वीना बनाए, ठीक है। मतलब एक दो घंटे का काम होता है सुबह और दो घंटे शाम को, ठीक है, यानी कि चार घंटे का काम होता है। और हेल्परी के टाइम लगभग 6 से 8 हज़ार तक रुपये मिलता है, ठीक है। सभी मालिकों के पास अलग अलग रेट रहता है, कोई 6 हज़ार देता है, कोई 7 हज़ार देता है, कोई 8 हज़ार देता है, ठीक है। मतलब अभी इंडिया में यही चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हेल्परी में सीखते टाइम आदमी को 6 से 8 हज़ार के बीच तक पैसा मिल सकता है, ठीक है। और काम जो रह गया वो तो मैंने बता ही दिया कि ग्रीस मारने का होता है, थोड़ा मशीन साफ करने का होता है और खाना बनाने का होता है, ठीक है। हर जगह पर वैसे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत से ऐसे जगह पर मेस लगा दिया जाता है जहाँ पर मेस से हमको खाना मिल जाता है, ठीक है, ऑपरेटर और हेल्पर दोनों को भी, ठीक है। अब हम बताएँगे सीखने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप इस पर कितना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि जिनको पता चल जाता है मेरा काम तो बस इतना ही है कि मशीन को थोड़ा साफ़ कर दो, ग्रीस मार दो, खाना पका दो, उसके बाद वो इधर उधर बातें करने लगते हैं फ़ोन से, मशीन उधर चल रही है वो उधर सोए रहते हैं, इस तरह से काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। और वो बोलते हैं मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिन लग गया, और ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर के ऊपर भी आता है कि वो कितना फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों ही, जो सिखा रहा है वो और जो सीखने वाला है वो, दोनों ही प्रयास करें और दोनों ही अच्छे से मेहनत करेंगे, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने में कोई भी व्यक्ति हो जिसका थोड़ा सा मतलब ध्यान रहे मशीन पे, अगर दोनों ने प्रयास किया तो 3 से 4 महीने में एक हेल्पर ऑपरेटर बन जाता है, यानी कि एक बंदा नया आया वो ऑपरेटर बन जाएगा 3 से 4 महीने में, ठीक है। तो और अगर उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फिर मशीन कम चल रही है, जैसे 10 दिन चल रही है, 15 दिन बंद रह रही है, तो इस तरह से कम 6 महीने लग जाता है भाई, 6 महीने 7 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने पकड़ लीजिए कि आपको सीखने में लगेगा, ठीक है, बस। उसके बाद से जब हम सीख लेते हैं, उसके बाद की मैं बात बता रहा हूँ कि सीखने के बाद अभी अगर उसी सेठ के पास जिसके पास सीखे हैं वहीं पे अगर आपको चांस मिल रहा है, यानी कि चांसर बोलकर आपको मशीन दिया जा रहा है कि तुमको चलो चांस दिया जा रहा है, तब आपकी पेमेंट सीधा 12 से 14 हज़ार के बीच में लगती है, ठीक है। 12 हज़ार 14 हज़ार 15 हज़ार भी लग सकती है, ठीक है, अगर उसको पता है तो, क्योंकि आप चांसर है उसको पता है तो वो कम ही रेट लगाएगा, ठीक है। और जहाँ पे आपने सीखा है, जिसको कुछ पता नहीं है कि ये अभी नया है, ठीक है, तो बाहर आप कहीं जा कर के बाहर मशीन पता किए या फिर आपके उस्ताद ने जिसने सिखाया उसने भेजा और वो बोला कि नहीं ये एक ऑपरेटर है, तो अभी ऑपरेटर का सैलरी जो है अगर आप अच्छा चलाते हैं तो आपको 22 से 25 हज़ार के बीच में ऑपरेटर की सैलरी चल रही है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, खाना पीना, कोलगेट ब्रश, मोबाइल खर्चा, जेब खर्चा भी सेठ लोग ही देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा अभी 22 हज़ार है, ठीक है। वैसे मित्र मैं ज़्यादा दिन से नहीं चलाता हूँ, मेरे को भी अभी 3 साल ही हुए चलाकर, लेकिन इसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है मेरे पास। एक और बात दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो अभी सिर्फ इंडिया की बातें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऑपरेटर का, पोकलेन ऑपरेटर का 8 घंटे का ड्यूटी होता है और 8 घंटे की ड्यूटी में उसको 22 से 25 हज़ार के बीच में पेमेंट चल रहा है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में काम करिए या फिर हैदराबाद में काम करिए या फिर इंडिया में, मतलब जिधर भी मशीन चल रही है उधर लगभग यही चल रहा है, 22 से 25 हज़ार के बीच में, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। और अगर इस मशीन को सीख करके आप चलाने जाना चाहते हैं बाहर देश में, जैसे कि सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ये सब कंट्री बहुत तो, मतलब इनकी करेंसी मजबूत है, इधर बहुत पैसा है, ठीक है। अभी जैसे कि मेरे बहुत सारे यार दोस्त थे, मेरे चाचा भी हैं जो कि अभी सऊदीया में काम करते हैं, ठीक है, उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन वो मेरे को पता है कि 40 हज़ार तक रुपये भेज देते हैं मंथली, उनका 40 हज़ार का मतलब घर पे आता है, ठीक है।
अब मेरे को ये नहीं पता वहाँ पे कितना मिलता है, लेकिन 40,000 आठ घंटे का बनता है, ठीक है। और अगर आप ओमान जाते हैं तो ओमान, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि वर्ल्ड का एक बहुत मजबूत देश है, बहुत ज़्यादा उसका पैसा बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसका करेंसी मजबूत है, ओमान कुवैत। तो अगर उस देशों में जा रहे हैं, अगर उधर का वीज़ा आपको मिल जाता है, तो उधर आप आठ घंटे अगर ड्यूटी करते हैं तो लगभग 50+ आएगा, ठीक है। इस पोकलैंड से आप 50+ कमा सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि सीखने में कितना टाइम लगेगा, सीखते वक्त कितना पेमेंट मिलेगा, और सीखने के बाद कितना मिलेगा, और इंडिया में कितना मिलेगा, और बाहर देश में कितना मिलेगा, ठीक है।